वेलकम बच्चों, फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और उसमें हमारे सब टॉपिक में से एक टॉपिक है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप्स। दोस्तों, हम यहाँ पे दो तरह के पाइप्स का विचार करने वाले। जैसे हमारे घर में फूकनी होती है, जैसे हम जिससे चूल्हा जलाते हैं ऐसे बोलते ना, हम ऐसे फूकते हैं, वो उस तरह का पाइप। तो आप देखेंगे वहाँ पर दोनों तरफ से वो पाइप क्या होता है, ओपन होता है। दूसरा पाइप बच्चों हम इस तरह से लेंगे कि एक तरह से पैक होगा। जैसे कभी कभी आप भी काम करते हो ना, कभी कभी अपना जो पेन होता है उसको खोलकर आप इस तरह से सीटी बजाते हो, इस तरह से बजाते हो। तो ये जो पाइप है आप देख रहे होंगे, इधर से ओपन है और इधर से क्लोज है, तो इसको बोलते हैं पाइप क्लोज एट वन एंड, या फिर सिंपली कहो क्लोज पाइप। ठीक है, आप इसको देखो, दोनों तरफ से आपको क्या नजर आ रहा है, ओपन नजर आ रहा है। आप इसको बोलेंगे पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, या फिर सिंपली ओपन पाइप। ठीक है, तो इसके अंदर में देखो बच्चों, याद है उस दिन भी हमने लास्ट टाइम में भी हमने एक बात करी थी कि अगर पाइप है तो पाइप के अंदर में अगर मैं इसको पैक करके रख दूँ, इसमें पानी भर दूँ तो वो वाटर कॉलम कहलाएगा, इसमें अगर मैं कॉन्क्रीट भर दूँ तो कॉन्क्रीट कॉलम कहलाएगा, अगर इसमें कुछ नहीं है मतलब इसमें एयर है, इसलिए मैं कहूँगा कि इसके अंदर में एयर कॉलम है। ठीक है, और एकादा मान लीजिए एग्जाम्पल वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है, मैं वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क बैंग करता हूँ, बजाता हूँ और इसके ऊपर अगर पकड़ता हूँ तो यहाँ पर भी हमको जो एयर कॉलम है वो एयर कॉलम क्या होना शुरू होगा, वाइब्रेशन में आएगा और वाइब्रेशन शुरू करेगा। और क्योंकि ये एयर कॉलम वाइब्रेट होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करेगा, हमको साउंड सुनाई देगा। और एक समय ऐसा भी आता कि बहुत ज़्यादा साउंड सुनाई देता, वो होता है हमारा रेजोनेंस का फेनोमेना। हमने इसके पहले देखे थे नेचुरल वाइब्रेशन जिसे हमने फ्री वाइब्रेशंस कहा, फिर फोर्स वाइब्रेशन और रेजोनेंस, ये हमने देखा था। नेचुरल वाइब्रेशन किसी बॉडी को अब क्या करो कि वाइब्रेशंस मिला, उसके जो वाइब्रेशन है नेचुरल वाइब्रेशन, अगर वो वाइब्रेशन किसी और बॉडी को देंगे तो उस बॉडी के वाइब्रेशन या तो रेजोनेंस होगा या तो फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा। उसमें डिफरेंस था थोड़ा सा, कौन सा, कि अगर जो फ्रीक्वेंसीज होती है यानी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो फोर्स वाइब्रेशन, और दोनों अगर इक्वल है तो रेजोनेंस, ये हमने पढ़ा था। उसी प्रकार हमारे पास ये जो है एयर कॉलम के वाइब्रेशंस इन द पाइप्स। ठीक है, सो सबसे पहले मैं पाइप ले लेता हूँ, पाइप क्लोज एट वन एंड। ठीक है, यानी हमारे पास अगर हेडिंग डाल देते हैं तो पहला पाइप कौन सा होगा, ठीक है, पाइप क्लोज एट वन एंड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इधर से ये क्लोज है और इधर से ओपन है। अब यहाँ पे इसके अंदर में जो एयर कॉलम है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये पाइप है हमारे पास, यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया, इसके अंदर में कुछ नहीं यानी एयर है, और इसके ऊपर एक आधा मैं ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता हूँ और हॉरिजॉन्टली अगर इसके ऊपर इस तरह से पकड़ता हूँ, ठीक है, तो इसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो वाइब्रेशंस किसको मिलेंगे, एयर कॉलम को मिलेंगे, और एयर कॉलम भी वाइब्रेट होना शुरू होगा, तो वो भी अलग अलग मोड्स में वाइब्रेशन में आएगा। जैसे हमने वाइब्रेशंस अलॉन्ग द स्ट्रिंग देखा था तो उसके अलग अलग मोड्स देखे थे, जैसे फंडामेंटल मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड, उसी प्रकार यहाँ पे भी होंगे। दोस्तों यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तैयार होंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात क्या होती है कि जो प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है उसी को मीडियम पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है, और ट्रांसवर्स वे में क्या होते हैं कि वहाँ पे मीडियम पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। फिर भी यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर हमने लूप्स बताए थे, यहाँ पर भी हम जो एयर कॉलम के वाइब्रेशन से वहाँ उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे लूप्स के जरिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से लूप्स तैयार होंगे, ये लूप्स हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये अगर लूप्स की अगर बात करते तो ये एक तरह से ऐसा लगता कि वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो यहाँ होता नहीं है लेकिन हम इसको डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके अंदर भी लूप्स तैयार होते हैं। और अगर लूप्स तैयार होते हैं तो लूप्स की बात करेंगे तो वहाँ पर नोड्स आएगा। ठीक है, वहाँ पर नोड्स आएगा या एंटी नोड्स भी आएगा, ये सब चीज़ें होती है। अब बात आती है कि अगर हमारा पाइप क्लोज है तो क्लोज एट वन एंड, तो क्लोज एंड पर और ओपन एंड पर कहाँ पे क्या तैयार होगा, तो वो सबसे पहले ध्यान में रखना है बाउंड्री कंडीशंस को। ठीक है, इसमें आप क्या ध्यान में रखेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है कि बाउंड्री पे क्या होने वाला है, बाउंड्री पे क्या होने वाले का मतलब क्या है कि दो तरह की बाउंड्री है, इधर में पैक है यानी क्लोज है, इधर में ओपन है। तो ध्यान में रखना एट क्लोज्ड एंड जो तैयार होंगे वो होंगे आपके नोड्स। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लोज एंड पर नोड्स तैयार होंगे। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि एट ओपन एंड,
एट ओपन एंड आपके जो तैयार होंगे वो होंगे आपके एंटी नोड्स। आपके क्या तैयार होंगे? एंटी नोड्स। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, कौन सा? क्लोज एंड पर हमेशा एंटी नोड, सॉरी नोड्स, और ओपन एंड पे एंटी नोड्स तैयार होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट फिर से शुरू करते हैं। क्या करना है हमको? एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग कोर, इसके ऊपर में ओपन एंड के ऊपर में क्या करना है आपको? हेल्ड करना है, पकड़ना है। उसमें क्या होंगे कि जो उसके जो वाइब्रेशंस है एयर कॉलम के मिलेंगे, एयर कॉलम भी क्या होगा वाइब्रेशंस में आएगा, और डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस वहाँ पर हमको देगा, जिसमें से हम हमारा फंडामेंटल मोड देखेंगे। जैसे देखो ये मेन चीज़ होगी इस तरह से। अब हम इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देखेंगे, ठीक है? यानी हेडिंग होंगी हमारी डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम, ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप, इन द क्लोज पाइप। अब क्लोज पाइप का मतलब क्या है? क्लोज पाइप का मतलब दोनों तरफ से क्लोज नहीं, इसका मतलब क्या होता है? पाइप क्लोज एट वन एंड, ठीक है? वो ध्यान में रखना। तो मान लीजिए कि मैं ये पाइप ले लिया हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसमें एयर कॉलम है। अब देखो यहाँ से जो पाइप की लेंथ है वो लेंथ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर स्मॉल एल, ठीक है? पाइप की लेंथ क्या बता देता हूँ? स्मॉल एल, ठीक है? तो पाइप की जो लेंथ है वही तो इसके अंदर में जो एयर कॉलम है उसी की क्या हो जाएंगी? वो हाइट भी हो जाएंगी। पाइप की लेंथ ही, देखो पाइप की लेंथ ही यहाँ पर क्या होने वाली है? हाइट होने वाली है, ठीक है? यानी यहाँ तक इसमें जो एयर कॉलम है उतनी ज क्या होंगी हमारे पास में, इसको थोड़ा सा मैं ढंग से और अच्छा बता दूँ। यहाँ पर ये पाइप है यहाँ तक, ठीक है? इसकी लेंथ है यल, और इसमें जो एयर कॉलम है उसकी हाइट भी कितनी हो जाएंगी? यल होंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे कहा कि क्लोज इन पे क्या तैयार होने वाला है? नोट्स तैयार होने वाला है, और ओपन इन पे क्या तैयार होने वाला है? एंटी नोट्स। उसमें से पहला अगर हम लेते जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल मोड, क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है? फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलेंगे, ठीक है? अब फंडामेंटल मोड में क्या होने वाला है? तो सबसे कम, जैसे हमने फंडामेंटल मोड देखा था वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के ऊपर में, तो सिर्फ एक लूप मिली थी। यहाँ पर हमको एक लूप नहीं मिलेंगी, ऐसी कंप्लीट एक लूप नहीं मिलेंगी। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको लिख कर भी दिया, बताया भी है कि ओपन एंड पे क्या तैयार होने वाला है? एंटी नोड। अगर आप ऐसा लेंगे तो यहाँ पर नोड दिखेगा, यहाँ पर भी नोड दिखेगा, वो ऐसा होता नहीं। क्लोज इन पे नोड होता है और ओपन इन पे एंटी नोड, इसलिए आपको इससे भी कम मिलेगा। वो इस तरह से कि आपको यहाँ पर नोड मिलेगा और ओपन इन पे एंटी नोड मिलेगा। यानी जो पहला मोड होगा उस पहले मोड में आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे नोड और यहाँ पे आपका होगा एंटी नोड, ठीक है? तो इस तरह से सबसे पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन यानी फंडामेंटल मोड में आपको क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंटी नोड की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स होंगे कितने होंगे? देखो आप, नंबर ऑफ नोड भी वन है, और नंबर ऑफ एंटी नोड की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स भी क्या होंगे? वन ही होंगे। देखो वन एंटी नोड, वन नोड, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे वहाँ पर हमने लेंथ ऑफ लूप की बात करते हैं, यहाँ पर हम काम करेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ एयर कॉलम। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? हाइट ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम, ठीक है? तो हाइट ऑफ एयर कॉलम, दोस्तों यहाँ पर जो लेने वाले ना जो हाइट होंगे वही हमारी पूरे के पूरे जो पाइप की लेंथ होंगी वही होने वाली। यानी मैं यहाँ पर क्या कहूँ? यल। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर ये सब जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, निग्लेक्टिंग एंड करेक्शन, ठीक है? एंड करेक्शन को हम स्मॉल ई से बताते, ये यहाँ पर नहीं है ऐसा समझ के चलो। अब ये एंड करेक्शन क्या है क्या नहीं हम इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? लेकिन ध्यान में रखना है कि एंड करेक्शन को यहाँ निग्लेक्ट करना है। अब लगे तो वो हल्का सा मैं बता भी दूँ, जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर तो क्या होने वाला है? नोड तैयार होगा कहाँ पर? क्लोज एंड पर। और एंटी नोड तैयार होगा कहाँ पर? ओपन एंड पर। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो एंटी नोड तैयार होता है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं होता। अब देखो जैसे कि ये बात करो यहाँ तक, ये थोड़ा सा ऊपर तैयार होता है, यानी जो ओपन एंड है ओपन एंड के थोड़ा ऊपर तैयार होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा का डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को हम नाम देते ई, यानी एंड करेक्शन, ठीक है? मतलब अगर मैं
बात करता हूँ एयर कॉलम की, तो पाइप की लेंथ तो स्मॉल ही, जैसे एग्जांपल मैंने बताया, लेकिन एयर कॉलम की लेंगे तो कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली एंटी नोट से या नोट्स तक, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा ज़्यादा का, तो ये इतना अगर देखेंगे तो यल है, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा का पोर्शन है तो वो ई है, मतलब लेंथ लेते समय आपको एल प्लस ई लेना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पर एंड करेक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसको बाद में मिक्स उसमें कर देंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर नोट्स कितने मिले, वन, एंटी नोट भी मिला वन, और एयर कॉलम की हाइट क्या है, वो यल है, लेकिन अभी यही एयर कॉलम की हाइट हम हमारे नोड और एंटी नोट के हिसाब से देखते हैं। आप सबको मालूम है, मैंने बताया था आपको, अगर दो नोड नोड की बात करते हैं तो दो नोड नोड में जो डिस्टेंस होता है वो है लैम्डा बाय टू होता है, अगर हम बात करते हैं एंटी नोड, ठीक है, और नोड के, तो वहाँ पे डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय फोर का, ठीक है। यानी हाइट ऑफ एयर कॉलम की बात करें तो एंटी नोड और नोड हो गया, तो इसमें कितने का डिस्टेंस आएगा, लैम्डा बाय फोर, और ये बनेगा हमारे यल के इक्वल, ठीक। यानी हाइट ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ पाइप के हिसाब से यल, और वेवलेंथ के हिसाब से देखो तो ये बन जाएगा लैम्डा बाय फोर, क्योंकि यहाँ पर नोड और यहाँ पर एंटी नोड है, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय फोर। अब यहाँ से आप वेवलेंथ निकाल दो तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, फोर यल हो जाएगा, ठीक है। और अब वेवलेंथ से हम जब यहाँ पे ये जो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस देख रहे थे, यहाँ पे स्पेशली फ्रीक्वेंसीज देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस। तो आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है हमारे पास, इट इज़ यन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लैम्डा देखो क्या है, फोर यल है, इसलिए यन की बात करते हैं तो वी अपॉन क्या आएगा, फोर एल आएगा, यहाँ पर वी अपॉन क्या आएगा, फोर यल, यहाँ पे वी हमारी वेलोसिटी है, और क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल में वेलोसिटी रूट ऑफ ई बाय रो थी, ई हमारी इलास्टिसिटी थी और रो हमारा डेंसिटी था, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द एयर कॉलम। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला कौन सा आ चुका है, एन इज इक्वल टू वी बाय फोर यल। अगर आप देखेंगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमको मिली है, ये फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये क्या है हमारी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है, एंड दिस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इट इज़ कॉल्ड एज द, हमने कहा था उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है, या फिर उसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट हार्मोनिक, हम उसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, दिस इज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कॉल्ड एज, इसको हम कहेंगे कॉल्ड एज फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, इसको हम नाम क्या देंगे, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इनसाइड द पाइप क्लोज एट वन एन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, तो सेकंड मोड में आप देखो, सेकंड मोड में अब थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जैसे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे लिया था वन लूप, फिर हमने लूप को बढ़ाया था, टू लूप्स लेते, फिर थ्री फोर ऐसे लेते, तो वहाँ पर देखो जितने पाइप की लेंथ है वही पाइप यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, पाइप उतना ही है, उसकी जो लेंथ है यहाँ से वो लेंथ भी हमारे पास क्या है, उतनी है। अब यहाँ पे सेकंड मोड लेना है तो सेकंड मोड में क्या होगा, ठीक है, एक इस तरह से अब लूप थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से लेंगे, ठीक है, यानी आप इस तरह से बता सकते हो इसको। अब यहाँ पर देखो ये नोड है, ये भी नोड है, ठीक, अब यहाँ पर ये है एंटी नोड और यहाँ पर ये है एंटी नोड, ठीक है, तो कितने नोड कितने एंटी नोड, दो एंटी नोड और दो नोड्स है, यानी यहाँ पर कहेंगे हम अगर नोड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो नोड्स कितने आ जाएंगे, टू, ठीक है, अगर एंटी नोड की बात करते हैं तो एंटी नोड भी आ जाएंगे टू, ठीक। अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ एयर कॉलम, ठीक है, तो हाइट ऑफ एयर कॉलम अगर बात करते तो यहाँ पर तो यल है, लेकिन अब हम इसको वेवलेंथ के अनुसार लेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक हाइट होंगी ना, एयर कॉलम की हाइट यहाँ से यहाँ तक होंगे, तो अब देखो जैसे कि मैं यहाँ से कह चुका हूँ, ठीक है, नोड और एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाय फोर, यहाँ से इधर में भी लैम्डा बाय फोर, और ये नोड से एंटी नोड में भी क्या होगा, लैम्डा बाय फोर, तो इसे टोटल कितने हो जाएंगे, थ्री लैम्डा बाय फोर, लेकिन एयर कॉलम उतना चाहिए, ठीक है, एयर कॉलम यहाँ पे उतना चाहिए, यहाँ पर भी उतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको हाफ लूप मिली थी, यहाँ पे वन एंड हाफ लूप मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो है
वो वेवलेंथ क्या होंगी, कम होंगे। वेवलेंथ यहाँ पे क्या होती जाएंगी, कम, तो मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही। इसलिए यहाँ से इतना लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर, यानी 3λ/4 तो होगा, लेकिन मैं 3λ/4 लेने के एवज में 3λ1/4 बता देता हूँ। मैंने सफिक्स लगाया वो इसलिए क्योंकि इस वेवलेंथ में और इस वेवलेंथ में चेंजेस है, फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है। और इट इज़ इक्वल टू यल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब बताओ लैम्डा वन क्या हो जाएगा, 4L/3 इस तरह से मिलेगा हमको, ठीक। अब फिर से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है, वी बाय लैम्डा वन, यहाँ पे नाम देंगे N1, तो N1 इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा वन, वैल्यू रखो तो वी बाय लैम्डा वन कितना आ चुका है, 4L/3। अब इसको ऊपर भेज दो, सो आपको N1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3V/4L, ठीक है, ऐसा मिलेगा। और ये जो V/4L है ये और कुछ नहीं है, ये हमारे सिंपली N है, यानी N1 इज इक्वल टू 3N आएगा। आप यहाँ पे देखो N1 इज इक्वल टू 3। अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के थ्राइस है, हम इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। इसके अनुसार जाएगा तो ओवरटोन होगा, इसके अनुसार क्या मिलेगा आपको, ओवरटोन, और ये 3 के अनुसार मिलेगा आपको हार्मोनिक, ठीक है, इसके अनुसार आपको हार्मोनिक, ठीक है। यानी ये फ्रीक्वेंसी क्या है, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, इसे क्या कहेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे हम, थर्ड हार्मोनिक, इसको नाम देंगे थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। अब ये ओवरटोन का मतलब क्या है वो तो वैसे भी देखने वाले हैं, ओवरटोन क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, लेकिन जैसे ये हमारा फंडामेंटल मोड है, इसी को फंडामेंटल टोन बोलते हैं, यानी बेसिक टोन हो गया, और इसके बाद में ऊपर ऊपर वाले आ रहे हैं, तो ऊपर ऊपर यानी हम बोलते हैं ना कभी कभी हम थोड़ा ज़्यादा का कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, तो ये बेसिक हो गया, उससे ज़्यादा हो गया तो ओवरटोन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में देखेंगे हम थर्ड मोड, एक और मोड देखेंगे और उसके बाद में फिर आप उसके जनरली जो बोलना है बोल सकते हैं। तो थर्ड मोड में क्या होने वाला है, ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है यहाँ पे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा फंडामेंटल मोड यानी फर्स्ट मोड, ये हो गया सेकेंड मोड, यहाँ पे थर्ड मोड। तो पाइप उतना ही है, पाइप आपके पास में उतना ही है, पाइप की जो लेंथ है वो लेंथ हमारी उतनी ही रहने वाली है, यल ही रहेंगी, बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप लूप्स को इस तरह से दर्शाते जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, एंटीनोड की बात करूँ तो ये एंटीनोड, ये एंटीनोड और ये खुद में एंटीनोड होगा, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर ऑफ नोड्स की, नंबर ऑफ नोड्स, तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने मिल रहे हैं, 3 है। नंबर ऑफ एंटीनोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ एंटीनोड्स भी हमारे पास 3। अब मैं बात करता हूँ हाइट ऑफ एयर कॉलम, हाइट ऑफ एयर कॉलम, तो एयर कॉलम की अगर हाइट विचार करते हैं तो पाइप के लेंथ के अनुसार तो यल ही होगा, लेकिन अब मैं बात करता हूँ वेवलेंथ के अनुसार। तो देखो ये नोड और एंटीनोड, ठीक है, नोड एंटीनोड में λ/4, ये एंटीनोड नोड में फिर λ/4, नोड एंटीनोड में λ/4, फिर यहाँ से फिर एक λ/4 और फाइनली यहाँ से भी λ/4, ऐसे टोटल कितने आएंगे, 5λ/4। मैं लिखूँगा 5λ/4, लेकिन फिर से यहाँ पे वेवलेंथ अलग है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या हुई है, कम हुई, यहाँ पे और वेवलेंथ कम हुई है, मतलब वेवलेंथ चेंज हुई है, इसलिए मैं इसको सफिक्स लगा देता हूँ λ2, ठीक है। और ये लेंथ तो रहने वाली है, ठीक, इसीलिए अगर हम बात करते λ2 के, अगर हम बात करते λ2, तो ये बन जाएगा 4L/5, ठीक। और अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी समझो N2 है, तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, V/λ2, इसमें वैल्यू रखो तो V बन जाएगा हमारे पास एज इट इज़ λ2 है 4L/5, और इसलिए N2 होगा 5 ऊपर जाएगा, ठीक है, V/4L, और फाइनली N2 इज इक्वल टू 5L होगा। अब इसका मतलब देखो आप क्या है कि यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन मिल रहा, यहाँ पर क्या है फंडामेंटल मोड में सिंपली जो हमको फ्रीक्वेंसी मिली वो मिली N, उसके बाद में जो मिली हमको वो 3N मिली, उसके बाद जो मिली वो मिली 5N, तो ये जो 1N है फंडामेंटल, ये जो 3N है, ये जो 5N है, ये तो हमारे ऑड नंबर्स है ना, यानी आपको ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, यहाँ पे 2N 4N ऐसा नहीं मिल रहा, यहाँ पे डायरेक्ट या तो N मिलता, या तो 3N मिलेगा, या तो 5N 7N 9N इस तरह से मिल रहा, मतलब आपको यहाँ पे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं,
ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट हार्मोनिक, ये हमारा थर्ड हार्मोनिक, ये हमारा फिफ्थ हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक गायब हो गया, फोर्थ हार्मोनिक गायब हो गया, मतलब यहाँ पे हमको इवन नहीं, ओनली ऑड हार्मोनिक्स वो हमको मिल रहे हैं। यानी ध्यान में रखना है आपको कि पाइप क्लोज एट वन में, वन एंड में वी गेट ओनली ऑड हार्मोनिक्स, हमको क्या मिलता है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलता है बच्चों। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप्स, पाइप्स में भी दो पाइप यूज कर रहे हैं, पाइप क्लोज एट वन एंड जिसको मैं डायरेक्ट क्लोज पाइप कह सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए बाउंड्री कंडीशन ध्यान में रखनी है कि क्लोज एंड पर नोट्स होंगे और ओपन एंड पर एंटी नोट्स तैयार होंगे, उसके बाद में डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है। सिंपल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, पाइप लेना है, पाइप के ऊपर में वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फोर्क यानी उसको पकड़ना है, ठीक है। यानी वो एयर कॉलम भी वाइब्रेशन में आएगा, उसके अलग अलग मोड्स। तो हेडिंग है हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप क्लोज्ड, क्लोज पाइप, यहाँ पे पाइप क्लोज एट वन एंड। फिर उसके बाद हेडिंग है फंडामेंटल मोड यानी फर्स्ट मोड, इसी को हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट मोड, ठीक है। इसी को हम फर्स्ट यानी फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होने वाला है, नोट्स एंटी नोट्स वो देखना है, एयर कॉलम देखना है, उसके बाद वेवलेंथ, उसके बाद फ्रिक्वेंसी देखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड मोड में भी नोट्स एंटी नोट कितने हैं, हाइट ऑफ एयर कॉलम, वेवलेंथ, उसके बाद फ्रिक्वेंसी निकालो, इसमें भी फाइनली ये निकालो। और यहाँ से डिस्कशन से ये पता चलता, क्या पता चलता, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन यन यानी सिंपल यन, थ्री यन, फाइव यन, सेवन यन, नाइन यन, इस तरह से अगर आप आगे आगे जाएंगे तो फाइव के बाद में सेवन यन मिलेगा, नाइन यन मिलेगा, मतलब ओनली ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द पाइप क्लोज एट वन एंड, ये आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, तो उसमें हमको कौन से हार्मोनिक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। उसमें भी क्या हमको इवन मिलते, क्या हमको ऑड मिलते, क्या हमको सभी के सभी मिलते, यानी इवन और ऑड, तो ये हम बच्चों देखेंगे बाद में नेक्स्ट टाइम में, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय।